एससी बोर्ड सेशन 2023-2024। तो आइए देखते हैं कि इस क्वेश्चन पेपर के क्या क्या पॉसिबल आंसर्स हो सकते हैं। सेक्शन ए से स्टार्ट करेंगे। सेक्शन ए में आप देखेंगे कि 20 क्वेश्चंस थे जो 1-1 मार्क के थे। फर्स्ट क्वेश्चन था, अ केमिकल रिएक्शन इन विच एक्सचेंज ऑफ आयंस अकर्स बिटवीन द रिएक्टेंट्स। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें एक्सचेंज ऑफ आयंस देखने को मिलता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसके बाद इसका हो गया ऑप्शन सी, अ जाइगोट इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट एंड अ फीमेल गैमीट, द नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स इन द जाइगोट। तो मेल गैमीट में 23 क्रोमोजोम्स होते हैं, फीमेल गैमीट में भी 23 क्रोमोजोम्स होते हैं। दोनों के फ्यूजन से जो जाइगोट बनेगा उसमें 46 क्रोमोजोम्स होंगे। ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 3, द पार्ट ऑफ सीड विच इज अ सोर्स ऑफ फूड ड्यूरिंग जर्मिनेशन ऑफ सीड। जब सीड जर्मिनेट करता है तो सीड का कौन सा पार्ट होता है जो फूड सोर्स का काम करता है? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, कोटिलेडन। द प्लांट्स दैट कैन बी रेज्ड बाय द मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। आपको यहाँ पे बताने थे कि कौन कौन से प्लांट्स ऐसे हैं जिनको वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से हम ग्रो कर सकते हैं। तो इसमें देखिए, ग्रेप्स तो आएगा क्योंकि ग्रेप्स में आपको पता है सीड्स नहीं होते हैं, तो ग्रेप्स वाला एग्जांपल आप ले सकते हैं। इसके अलावा देखिए, तो ग्रेप्स को भी ग्रेप्स में सीड्स नहीं होते तो उसको टहनी से उगाते हैं। रोजेज में भी उसको टहनी से उगाते हैं, शुगर केन भी टहनी से उगाते हैं। तो ये आ जाएगा। मस्टर्ड में तो आपको पता है सीड्स होते हैं, तो मस्टर्ड वाले ऑप्शन आप कट कर दीजिए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए। उसके बाद अ प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन बताना था जिससे विल्टिंग ऑफ लीव्स भी होती है, तो ये है एब्सिसिक एसिड। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 था, एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। तो एक सोल्ट का सॉल्यूशन है वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करता है, तो वो सोल्ट कैसे जो है मिलेगा, कौन से एसिड और बेस को बनाने पे मिलेगा वो सोल्ट? तो देखिए, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर रहा है, ब्लू टू रेड, यानी कि वो एक बेसिक सोल्ट होगा, क्योंकि एसिडिक सोल्ट होगा, क्योंकि एसिडिक सोल्ट क्या करते हैं, या एसिड क्या करता है, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करता है। एसिडिक सोल्ट, एसिडिक सोल्ट का मतलब ये है कि ऐसा सोल्ट जो स्ट्रोंग एसिड और वीक बेस से मिलके बना हो। तो स्ट्रोंग एसिड, वीक बेस, एग्जांपल देखिए, तो एसिडिक है तो स्ट्रोंग एसिड, वीक बेस, ऑप्शन डी देखिए। HCl एक स्ट्रोंग एसिड है, NH4OH वीक बेस है, और ये दोनों स्ट्रॉन्ग हो गए तो इससे नहीं बनेगा। ये H2SO4 और KOH दोनों स्ट्रॉन्ग बेस हो गए, स्ट्रॉन्ग एसिड हो गए, इसलिए बी ऑप्शन भी नहीं होगा। और सी में एसिड वीक है और बेस स्ट्रॉन्ग है, जिससे जो सोल्ट बनेगा वो बेसिक बनेगा। बट हमारा जो है क्वेश्चन, उसमें हमें चाहिए एसिडिक, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। 7 में कहा गया था कि चार सॉल्यूशंस हैं, ग्लूकोज, अल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक और सल्फ्यूरिक एसिड। उनको चार सेपरेट बीकर्स में कनेक्ट किया गया, 1x1 इलेक्ट्रिक सर्किट, उसके बाद बल्ब वगैरह कनेक्ट किया गया। तो बल्ब किस में ग्लो करेगा, जिसमें करंट पास होगा, और करंट किस में पास होगा, देखिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड में। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है इसका। ऐसे मेटल्स जो फ्री स्टेट और कंबाइंड स्टेट दोनों मिलते हैं, तो कॉपर एंड सिल्वर, ऑप्शन सी। उसके बाद आपको बताना था कि बेंजीन में सिंगल और डबल बॉन्ड्स कितने होंगे। तो बेंजीन का स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए था इसके लिए। देखिए, तो बेंजीन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, यहां पे एच, यहां पे एच, यहां पे एच, यहाँ पर H, यहाँ पर H और यहाँ पर H, यहाँ पे कार्बन होते हैं, देखिए ऐसे। तो इसमें सिंगल बॉन्ड काउंट करेंगे, एक सिंगल बॉन्ड देखिए यहाँ पर है,
एक सिंगल बॉन्ड, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, सिंगल बॉन्ड नौ हो गए। डबल बॉन्ड की बात करें तो डबल बॉन्ड देखिए, एक ये रहा, दो और ये तीन, तो सिंगल बॉन्ड नौ है और डबल बॉन्ड तीन है, तो नौ तीन यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। उसके बाद देखिए टेंथ क्वेश्चन में कहा गया कि इन ह्यूमन बींग्स व्हेन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज कंप्लीटेड, ह्यूमन बींग्स में जब डाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो प्रोटीन्स, ग्लूकोज, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स फाइनली किस में कन्वर्ट होते हैं, तो प्रोटीन्स अमीनो एसिड्स में, कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज में और फैट्स फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। सम वेस्ट आर गिवन बिलो, आपको पहचाना था नॉन बायोडिग्रेडेबल, तो नॉन बायोडिग्रेडेबल देखिए यहाँ पे बॉल पॉइंट पेन रिफिल्स जो कि प्लास्टिक से बने होते हैं, प्लास्टिक नॉन बायोडिग्रेडेबल है, तो ऑप्शन टू आ रहा है हमारे पास बी में या फिर ए में। ए ऑप्शन में फर्स्ट ऑप्शन गार्डन वेस्ट लिखा गया, गार्डन वेस्ट तो बायोडिग्रेडेबल है, तो ऑप्शन ए नहीं आएगा, ऑप्शन बी आएगा, क्योंकि टू तो पक्का आना ही आना है, बॉल पॉइंट पेन रिफिल्स वो प्लास्टिक के बने होते हैं और प्लास्टिक एक नॉन बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है, तो सेकंड वाला तो आएगा ही आएगा। अब सेकंड वाले के साथ या तो फर्स्ट आता या फिर थर्ड आता, फर्स्ट आ नहीं सकता क्योंकि गार्डन वेस्ट बायोडिग्रेडेबल होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ट्वेल्थ क्वेश्चन में करंट देखिए पास किया गया है और जब पैरेलल करंट्स होते हैं तो अट्रैक्शन होती है, तो ये जो है इसको अट्रैक्ट करेगा एक्स वाई को अपनी तरफ, तो टुवर्ड्स ए बी ऑफ लूप, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें अगर हम, तो क्वेश्चन नंबर 13 में आपको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास एंड वाटर आपको गिवन था, तो आप यहां से क्या करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर निकाल लेंगे, और वो कैसे आएगा, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 डिवाइड बाय वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3, ये बन जाएगा 3/2 मल्टीप्लाई 3/4, 9/8 आ जाएगा, ये इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास हमें दे रखी थी देखिए यहाँ पे, तो VG की वैल्यू यहाँ पे दी रखी है 2 × 10⁻¹⁸, तो हमारे पास देखिए कुछ इस तरह का हो चुका है अब तक, 9/8 इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास, वो है 2 × 10⁻¹⁸, इसे हम ऊपर ले जाएंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा देखिए 9/8 इंटू 2 × 10⁻¹⁸, इसको अगर आप कट कर देते हैं तो 9/4 × 10⁻¹⁸, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर बन जाता है इसका। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया है कि व्हेन अ बीम ऑफ व्हाइट लाइट पासिस थ्रू अ रीजन हैविंग वेरी फाइन डस्ट पार्टिकल्स, तो कौन सी लाइट्स जो है, कौन सा कलर सबसे ज़्यादा स्कैटर होगा, तो ब्लू कलर, क्योंकि ब्लू कलर की वेवलेंथ जो है उन फाइन पार्टिकल्स के साइज से मैच कर जाएगी। इसमें बताना था कि इन चारों में से किसका रेजिस्टेंस वन आएगा, तो इसका रेजिस्टेंस वन आएगा, पैरेलल में है तो दोनों सेम है, तो 2/2 है तो इसलिए 2 कर दीजिए, 1 आ जाएगा देखिए इसका आंसर। ये तीनों पैरेलल में है तो एक की रेजिस्टेंस 3 है और टोटल है 3, इसलिए 3 से डिवाइड कर दीजिए, इसका भी आंसर 1 आएगा, इसका आंसर 1 नहीं आएगा देखिए, 0.5 × 2 करेंगे तो 0.25 आएगा, तो फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन में आप देख पा रहे हैं कि करेक्ट आंसर आ रहा है 1 ओम आंसर आ रहा है। थर्ड में आप चेक करेंगे तो 6 और ये भी 6, दो 6 ओम के रेजिस्टेंस हो गए देखिए, थर्ड में ये भी 6 ओम का है और ये भी कितना है, 6 ओम का है, इसका टोटल कैसे निकलेगा, 6/2 3 आंसर आएगा, 1 नहीं आएगा, तो 1 आंसर आ रहा है फर्स्ट में और सेकंड में, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की, क्वेश्चन नंबर 16 में था देखिए, इलेक्ट्रिक आयरन है, रेजिस्टेंस है उसकी 20 ओम, करंट उसमें 5 एम्पीयर जो है और हीट निकालना है 30 सेकेंड्स में, तो हीट का फॉर्मूला H इज इक्वल टू आई स्केयर आर टी, आई करंट है 5, 5 का स्केयर, रेजिस्टेंस आपके पास है 20 और टाइम आपके पास था 30 सेकेंड्स,
इसे मल्टीप्लाई करेंगे 15,000 जूल आएगा, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। उसके बाद असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन, 17th क्वेश्चन में असर्शन था ऑक्सीजन इज एसेंशियल फॉर ऑल एरोबिक फॉर्म्स ऑफ लाइफ, सभी एरोबिक फॉर्म्स ऑफ लाइफ के लिए ऑक्सीजन ज़रूरी है। जी हाँ, ये तो ठीक है। फ्री ऑक्सीजन एटम्स कंबाइन करते हैं ऑक्सीजन मोलिकुलर ऑक्सीजन के साथ और ओजोन बनता है, ये भी ठीक है। दोनों अपनी अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन एक दूसरे से इनका कोई लेना देना नहीं है। तो असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, लेकिन रीजन असर्शन का आंसर नहीं है, इसलिए ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर। 18th, मोस्ट ऑफ द प्लांट्स क्लोज देयर स्टोमेटा एट नाइट, ज़्यादातर प्लांट्स क्या करते हैं, रात को अपने स्टोमेटा को बंद कर लेते हैं। क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा हेल्प्स टू कंजर्व वाटर एज लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इवेपोरेट्स फ्रॉम लीव्स। तो इसमें आपको बताना था कि असर्शन, मोस्ट ऑफ द प्लांट्स क्लोज देयर स्टोमेटा एट नाइट, रात को अपना स्टोमेटा बंद कर लेते हैं, क्योंकि रात को फोटोसिंथेसिस वाला प्रोसेस नहीं होता सनलाइट ना होने की वजह से, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने वाला प्रोसेस नहीं होगा ना, या फिर यूँ कह लो कि रात को सनलाइट तो मिलेगी नहीं, तो ज़्यादातर स्टोमेटा बंद कर लिया जाता है। और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा हेल्प्स टू कंजर्व वाटर, क्योंकि उससे बहुत सारा पानी वेपोरेट हो सकता है। तो असर्शन भी ठीक है और रीज़न भी ठीक है, तो और रीज़न इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की, द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम देयर सल्फाइड ओर्स कैन नॉट टेक प्लेस विदाउट रोस्टिंग ऑफ द ओर, रोस्टिंग कन्वर्ट सल्फाइड ओर्स डायरेक्टली इनटू मेटल्स, तो इसका रीज़न गलत है। देखिए, रोस्टिंग से पहले मेटल ऑक्साइड बनता है, डायरेक्टली मेटल नहीं बनता, तो रीज़न गलत है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में बताया जाता है कि रीज़न फॉल्स है ना। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, क्योंकि अगर वो इंटरसेक्ट करेंगी तो देखिए दो डायरेक्शंस हो जाएंगी, वो पॉसिबल नहीं है। तो असर्शन भी ठीक है, रीज़न भी ठीक है, और रीज़न असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, इसलिए आंसर ए इसका करेक्ट आंसर है। तो इस तरह से सेक्शन ए के जो ये 20 क्वेश्चंस थे, ये थे पॉसिबल आंसर्स। अगर आपके आंसर्स मुझसे अलग आ रहे हैं तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं आपका आंसर अलग क्यों है, और साथ ही बाकी जो सेक्शंस बचे हैं उनके आंसर भी जल्दी ही अपलोड कर दिए जाएंगे, और उन सभी का वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में।